इमरजेंसी है। आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। में तो पहले से ज्यादा इमरजेंसी के हालात खराब है, गोली मार देंगे आप जमीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है? के सवाल पर बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। तो आज में तो पहले से ज्यादा इमरजेंसी के हालात खराब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी, लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आप लोग इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर मेरी मदद नहीं होगी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। और वो आज दिखाई दे रहा है हमको, कल रात तो उसको गोली मार दी। किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप जमीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था? और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है, वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। तो इसलिए जहां तक बैठक का सवाल है, पटना का यही संदेश था कि सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमने अपनी राय कई बार दी, और वो राय यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है, सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़े।